आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ की एक और विकेट गिरा दी है। कसूर से रुकने पंजाब असेंबली वकास मोकल ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक वकास मोकल आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। असद सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद, बताएगा क्या फैसला किया गया, कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान किया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ की एक और विकेट गिरा दी है। कसूर से रुकने पंजाब असम्बली वकास मोकल ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। बहरहाल आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और विकेट गिराई है और मुस्लिम काफ की यह विकेट है। कसूर से रुकने पंजाब असम्बली वकास मोकल हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पी टी आई ज़राए के मुताबिक वकास मोकल आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। असद सुहेब से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। सब आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम काफ की एक और विकेट गिराई है, कसूर से विकेट गिराई है। असद सुहेब बताइएगा कब तक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकन पंजाब असेंबली सरदार वकास मोकल ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का जो है वो ऐलान कर दिया है। कसूर से रुकन पंजाब असेंबली मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सरदार वकास हसन मोकल आज बनीगाला में उनकी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बड़ा झटका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लिए। उनका अहम रुकन पंजाब असेंबली से सरदार वकास मोकल जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सुहेब आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम